कैसे हो इस गर्मी में? आशा रखती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। हाँ, मैं भी अच्छी हूँ और मैं अभी आसाम में हूँ। आसाम का जो वेदर है वो कोलकाता से थोड़ा सा बेटर है। आई मीन यहाँ पे बारिश हो रही है और उतना भी गर्मी नहीं है। बाय द वे, मैं अभी इवनिंग वॉक में निकली हूँ। सुबह मैं वॉक करती हूँ, मॉर्निंग वॉक करती हूँ, थोड़ा सा योगा भी करती हूँ और शाम को भी। अभी मौसम अच्छा था तो मैं सोची क्यों ना एक और एक बार इवनिंग वॉक किया जाए। फ्रेंड्स, बीहू के बाद हमारे स्कूल एकदम नए तरीके से फिर से ओपन हुआ है और सारे स्टूडेंट्स, सारे तो नहीं आए हैं, मेनली 8 और 9 के स्टूडेंट्स और टीचर्स आए हुए हैं। क्लासेस के साथ साथ हमारे स्कूल के रिनोवेशन का काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत कुछ नया नया भी दिखने को मिलेगा हमारे स्कूल में आप लोगों को। जैसे कि हमारे आर्ट टीचर ने हमारे जो स्कूल का वॉल है वो बहुत अच्छे से पेंट किया है, बहुत सारे नए नए ड्राइंग्स हैं और इसको बोलते हैं वॉल पेंटिंग। तो आज का जो ब्लॉग है, आज के ब्लॉग में मैं आपको वही दिखाऊंगी कि नया नया क्या क्या हुआ है हमारे स्कूल में। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बहुत सारे नया नया बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, टीचर्स क्वार्टर, तो सब कुछ नया नया हो रहा है। मुझे लग रहा है कि वैकेशन के बाद जब हम लोग लौटेंगे टीचर्स स्टूडेंट्स, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो यही आज का ब्लॉग है, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे स्कूल में क्या क्या नया एडिशन हुआ है और क्या क्या अच्छा अच्छा और भी हुआ है देखने को मिलेगा आपको। और ये देखो, जो स्कूल में पढ़े हो या जो स्कूल में विजिट किए होंगे उसको ज़रूर पता है कि ये कौन सी ग्राउंड है। कैन यू गेस? यस, ये बास्केटबॉल ग्राउंड है। गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी, दोनों का ही बास्केटबॉल जो ग्राउंड था पहले, अभी देखो पूरा उसमें पुट्टी किया जा रहा है। पहले इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर कलर किया जाएगा और कलर करने के बाद इसका जो अभी का फॉर्म हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो स्पोर्ट्स खेलेंगे, जैसे यहाँ के स्पोर्ट्स के टाइम होता है 4 PM to 5:30 PM, तो इस ग्राउंड में आके सच में ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ स्पोर्ट्स खेला जाए। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत हुआ है पर ये पूरा नहीं है। दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीट पिक्चर, इट इज़ अंडर प्रोसेस। बट कंप्लीट होने के बाद इसका क्या कलर हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये कलर ब्लू कलर का अभी लगा हुआ है और इसके बाद इसके ऊपर कुछ और कलर भी लगेगा प्रिंसिपल सर के गाइडेंस में, सुपरविजन में। तो हमारे स्कूल जो है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे से रिनोवेशन हो रहा है, पूरा सज रहा है। एक नई न्यू ओपनिंग होगा आफ्टर वेकेशन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, ये जो फूल है, अभी सीज़न है स्प्रिंग, यहाँ पे ना समर है ना विंटर है, तो बहुत अच्छा सीजन है। और यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या है दीपा?
तो ये है हमारे रिस्पेक्टेड आर्ट सर सौम्य चक्रवर्ती सर। ही इज़ अ बेंगाली एंड ही इज़ फ्रॉम आगरतला। तो सर ने अपना आर्ट का जो एडुकेशन है वो हमारे वेस्ट बंगाल शांतिनिकेतन बोलपुर से किए हैं, और कोलकाता में जो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स है वहाँ पे भी सर का एग्जीबिशन होता है, और सर अपना पेंटिंग ये सब भी रखते हैं। तो ये एग्जीबिशन के टाइम मैंने सर को पर्सनल रिक्वेस्ट किया है कि मुझे ज़रूर बुलाइए, क्योंकि मैं भी कोलकाता से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं इजीली वहाँ पे जा सकती हूँ और सर का जो आर्ट वर्क है वो मैं देखूँगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सर का जो ड्राइंग वर्क है, पेंटिंग वर्क है, बहुत ही अच्छा है, और इसी कारण जो है स्टूडेंट भी पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं ड्राइंग और पेंटिंग में। सारे स्टूडेंट अपनी मर्जी से ही आके पेंटिंग कर रहे हैं, और फिर इसी दौरान स्टूडेंट्स जो है मुझे बुला लिया अपने क्लासरूम में, मैम थोड़ा सा हमारे लिए भी वीडियो कीजिए और हमारे साथ भी फ़ोटो कीजिए। तो मैं भी अपने फ़ोटो में पूरा आगे रहती हूँ फ़ोटो खिंचाने में। इस पेंटिंग को देखिए, यहाँ के जो मेन कार्बी ट्राइब है ये उसी का ही रिप्रेजेंटेशन है। कार्बी जो ड्रेस होते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं, ऐसे ही होते हैं। मैंने अपने बहुत सारे पिछले वीडियो में भी दिखाई हूँ, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है अपना जो कार्बी ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये और एक ओली ओली नाम की एक वर्क है, आर्ट वर्क है मुंबई की, मुंबई की ट्रेडिशनल वर्क है, फोक वर्क है। वो यहाँ पे सर ने तो स्टूडेंट नहीं, सर के सुपरविजन में कर रहे हैं। हमारे स्कूल के जो वर्ल्स हैं वो ये अपना पेंटिंग कर रहे हैं फैब्रिक कलर से, सफ़ेद, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ऐसे कलर्स इन्होंने यूज़ किए हैं। और ये जो है आप देख रहे हैं ये हमारे काउंसलिंग मैडम की रूम है, और उनके रूम के सामने मैडम ने भी स्टूडेंट के मदद से बहुत सारा कुछ आर्ट वर्क किए हैं। तो ओवरऑल हमारे स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है, और देखिए ये वॉल में अगर पूरी वॉल में ये सारी पेंटिंग किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे ये सारी पेंटिंग होगा और वर्ल्ड सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे पर्सनली ये काम बहुत अच्छा लग रहा है, ये डिज़ाइन वर्क है, और हम इसे फोक वर्क भी बोल सकते हैं। हर एक पेंटिंग में कुछ ना कुछ स्टोरी है अगर इसे गौर से देखेंगे तो। यहाँ पे सर जो है स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे क्या पेंटिंग करना है, किस कलर में कहाँ पर क्या कलर कौन सी मात्रा में यूज़ करना है। तो मैं भी इंटरेस्ट ले रही थी, मैं भी सीख रही थी सर से, कुछ कुछ सुन रही थी, और मैं भी ड्राइंग करती थी पहले, और सर को स्पेशली सर से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी कुछ कुछ सीख रही हूँ बहुत दिनों बाद पेंटिंग। ये है बोडो ट्राइब, यहाँ के और एक फेमस ट्राइब है, इनका फोक डांस यहाँ पे किया गया है पेंटिंग। तो इनका जो रहन सहन है, इनका जो अटायर है, इनका बॉडी लैंग्वेज है, सभी इस पेंटिंग में बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो बांसी लेके ये कुछ बजा रहे हैं म्यूज़िक, और इनका भी कुछ पैर रखने का तरीका है,
और इनका बॉडी का एंगल देखिए, आई मीन डांस करते वक्त जिसका एंगल रहता है। और ये लोग जो एक्सेसरीज यूज़ करते हैं, जैसे ऐसे कपड़े यूज़ किए हुए हैं, ट्रेडिशनल यहाँ के कुछ जो आर्ट वर्क है जो इनके कपड़े के ऊपर किया जाता है, वो सभी बहुत अच्छे से आई मीन वेरी माइन्यूटली उसको आई मीन डिस्प्ले किया जा रहा है थ्रू पेंटिंग। ओवरऑल अ माइंड ब्लोइंग वर्क, हैट्स ऑफ टू यू सर। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग पहचान पा रहे हैं, हाँ ये हमारे स्कूल की जो ग्राउंड है, एकेडमिक ग्राउंड है, वहीं पे ही ये पेंटिंग हुआ है स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड। स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेलते हैं 4 से 5:30 PM को, तो ये पूरा पेंटिंग करके उसी जो फील्ड है उसको सजाया गया है और एक अच्छा सा लुक दिया गया है, स्पोर्ट्स लुक दिया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको भी मैं आशा रखती हूँ बहुत अच्छा ही लगेगा। ये देखिए हमारी स्कूल बहुत ही अच्छा सजा हुआ है और परफेक्ट है फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन। और यहाँ पर आके कोई भी बच्चे को ऐसा ही फील होगा कि हाँ हम भी एक ऐसे लेवल के स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे इतनी हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स का फैसिलिटी दिया जाता है। और देखिए ये वॉल्स, यहाँ पे पेंटिंग जो मैं अभी अभी आपको दिखाई हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है दूर से सर का ये आर्ट वर्क। और अभी हम चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ, वहाँ के जो बैडमिंटन ग्राउंड है, मेनली बास्केटबॉल ग्राउंड है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स भी किया जाता है, नॉट ओनली फॉर बास्केटबॉल। तो यहाँ पे जो गर्ल्स खेलते हैं, देखिए इस ग्राउंड को देखिए, पूरा पिंक और ब्लू कलर से पेंट किया गया है, एकदम इंटरनेशनल लेवल टाइप का पेंटिंग है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी मज़ा अलग से ही लेवल पे होगा। बन रहा है वाइस प्रिंसिपल क्वार्टर, प्रिंसिपल क्वार्टर भी हो सकता है, तो पहले वाइस प्रिंसिपल क्वार्टर इतना अच्छा नहीं था और अभी पूरा नया बिल्डिंग हो रहा है। और ये कोर्ट कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट, और सामने है गर्ल्स हॉस्टल, मैं आपको दिखाई हूँ पिछले बहुत सारे वीडियो में, तो गर्ल्स हॉस्टल में ही मैं रहती हूँ। पहले तो गर्ल्स हॉस्टल में दो ही क्वार्टर थे, आई मीन टू फैमिलीज कैन रिसाइड। और देखिए सामने नया करके, आई मीन टोटली नया करके बिल्डिंग बन रहा है, इट इज़ अ 3-स्टोरेड बिल्डिंग नाउ फॉर बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। यहाँ पे हाउस मास्टर्स बहुत सारे रह सकते हैं, आई मीन स्टाफ का जो रिसाइडिंग प्रॉब्लम था वो बहुत ही हद तक सॉल्व होने वाली है, और यहाँ के स्टूडेंट्स का भी जो नंबर्स है वो भी इंक्रीज होने वाली है। ओवरऑल ये टोटल जो रिनोवेशन किया जा रहा है, आई मीन स्टाफ क्वार्टर, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल नया करके बनाया जा रहा है, ये इसका एक ही रीज़न है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, ताकि बच्चे आए और भी सामने आए और हमारे देश का नाम रोशन करें।